नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं कुछ नए प्लांट्स खरीद के लाई हूँ, वही आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, कितने भी प्लांट्स क्यों ना हो बालकनी में, लेकिन जब भी नर्सरी जाओ तो लगता है कि अभी बालकनी में काफ़ी जगह है और प्लांट्स आ जाएंगे, तो फिर से और प्लांट्स आ जाते हैं। तो देखिए, ये मैंने फन का प्लांट लिया है, मेरे पास नहीं था। और इसके साथ ही इसमें पर्पल टर्टल वाइन लगी हुई है और एक इसमें क्रीपिंग चार्ली की भी कटिंग लगी है साइड में। तो इस तरह के प्लांट्स ढूंढ के ले लेने चाहिए जिसमें एक दो प्लांट और लगे हों। ये बिल्कुल ऐसे ही एक कोने में रखा था गमला, और ये 30 रुपये में ही उसने मुझे दे दिया। और इसमें 3 प्लांट्स एक साथ मुझे मिल गए, इनकी कटिंग्स भी मैं लगा लूँगी अलग निकाल के, और इस फन के प्लांट को अलग कर लूँगी। और ये मैंने क्रोटोन का लिया है प्लांट, इसका बहुत अच्छा लगता है, इसकी मुड़ी मुड़ी पत्तियाँ होती हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट। ये 50 रुपये के मैंने लिए क्रोटोन के। और एक दूसरा वाला जो ये येलो ग्रीन पत्ती वाला, एक ये प्लांट लिया है। तो क्रोटोन के एक पहले लिया था, तो 3 हो गए हैं अभी मेरे पास। इसके अलावा ये कैलेथिया का एक और प्लांट लिया है, बड़े सुंदर इसकी पत्तियाँ थी। ये भी 40 रुपये का है, छोटा है प्लांट। और ये टिकोमा का प्लांट है, एक ये प्लांट लिया है, ये भी 40 रुपये का है। और दोस्तों, इस प्लांट का नाम आप मुझे बताएं, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये मैंने 2 प्लांट लिए हैं, इस पर छोटे छोटे से फूल आते हैं गुच्छे में, और इसकी पत्तियाँ देख लीजिए ऐसी हैं। किसी को भी इसका नाम पता हो तो मुझे बताएँ। देखिए, इस ये वाइट कलर का है और एक ये रेड कलर का। ये लिए 2 प्लांट मैंने। ये पेंटास के प्लांट हैं जो 3-4 कलर के मैंने लिए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और एक का जो प्राइस है वो लगभग 30 या 40 रुपये है। तो ये 4 रंग के मैंने लिए हैं। और ये कैलेडियम का लिया है प्लांट, एक काफ़ी सुंदर लगते हैं ये। एक ये दूसरी वेराइटी लिया है कैलेडियम की, ये बहुत सुंदर लग रहा था। और ये कुछ वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट ली है, और गमले और प्लेट्स ये तो चाहिए ही। तो ये शॉपिंग आज मैंने की, और वर्मी कंपोस्ट में 30 रुपये किलो मिला, और कोकोपीट लगभग, तो अभी लगभग शाम के 6 बजे हैं। अभी खाना वाना बनाने के बाद रात को ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इनको रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि मेरी बालकनी में इतनी जगह नहीं है कि मैं 1-2 दिन तक ऐसे ही इनको रखे रहने दूँ। और ये इस तरह की मिट्टी में होते हैं कि सूख जाते हैं बहुत जल्दी, इनमें बिल्कुल भी पानी भी नहीं लगा सकते, तो इसलिए मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। और बालकनी में गार्डनिंग करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी रिपोर्ट करो प्लांट को तो पूरे में मिट्टी फैल जाती है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और फिर सफाई का इतना लगाने का काम नहीं होता जिससे ज़्यादा सफाई का काम हो जाता है। तो सब सो गए, उसके बाद मैंने रात में जितने भी प्लांट्स लाए उनको सबको रिपोर्ट किया। मुझे लगभग 11-12 बज गए रात के, आप देख सकते हैं काफ़ी रात हो गई है। तो सारे प्लांट्स लगभग लग गए हैं, और लगाने के बाद थोड़ी सी सफाई भी करनी होगी, जो भी मिट्टी है वो सब उठानी, साफ़ करना। तो बाकी फिर जो सफाई है वो मैं सुबह को कर दूंगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, प्लास्टिक के गमलों में जब भी आप कोई प्लांट लगाएं उसमें ड्रेनेज होल बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लें। इसमें सिर्फ एक ही होल था, मैंने इसमें 4 कर लिए हैं, क्योंकि मिट्टी का जब गमला हम यूज़ करते हैं उसके चारों तरफ से उसमें से हवा आर पार क्रॉस होती है, तो जो भी प्लांट लगता है उसकी जड़ों को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है और मिट्टी भी अच्छे से सूखती है। तो कैसी भी मिट्टी आप बनाएं उसमें प्लांट अच्छे से चल जाता है, क्योंकि मिट्टी और गमला सबसे अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप छत पर या फिर बालकनी में गार्डनिंग कर रहे हैं और आप प्लास्टिक के गमले यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए एक तो आपको ड्रेनेज होल ज़्यादा करने होंगे क्योंकि इसमें कोई हवा आर पार नहीं जाती, और दूसरा इसके लिए मिट्टी थोड़ा अलग बनानी पड़ेगी जिसका ड्रेनेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। उसके लिए आप मिट्टी में रेत या फिर कोकोपीट का यूज़ कर लें तो प्लांट्स ज़्यादा अच्छे चलेंगे। तो अभी इसमें मैं जो फन का प्लांट है वो लगाऊंगी, मैंने उसके जो भी इसमें कटिंग्स थी वो सब निकाल ली हैं, और फन के प्लांट में जो भी बेकार पत्तियाँ थी वो भी सब हटा दी हैं। और बहुत ही सुंदर, ये देखिए कितना सुंदर प्लांट तैयार हो गया, पहले तो बिल्कुल इतना ख़राब सा लग रहा था और अब ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 30 रुपये में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये प्लांट।
तो दूसरी जो बास्केट है मेरी, उसमें मैंने वो पर्पल जो टर्टल वाइन थी वो लगा दी है। इस तरह से ही सब कुछ सेट करके रात को फिर जो भी मिट्टी थी वो सब मैंने उठाई, साफ़ करा पूरे में हाथ से ही, क्योंकि बाकी सफाई तो सुबह ही करूँगी उठने के बाद, काफ़ी देर हो गई है। तो ये सबसे ज़्यादा काम रहता है जब कोई भी प्लांट्स लाओ उसको लगाओ, एक तो इतनी कम जगह रहती है, ऊपर से पूरी सफाई भी रखनी। तो बहुत रात हो गई यही सब करते हुए, अभी इन सब प्लांट्स में जो लगाए हैं उनमें पानी देने के बाद मैं आपको सुबह दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं सारे। देखिए दोस्तों, अगले दिन सुबह का ये वीडियो है और सभी प्लांट्स जो मैंने लगाए थे वो बहुत ही अच्छे से एकदम बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, सेट हो गए हैं और कोई भी प्लांट ऐसे मुरझाया नहीं है। तो ये जब हम रिपोर्ट करते हैं तो ये चिंता रहती है कहीं प्लांट मुरझा ना जाए, तो अभी तक तो भगवान की कृपा से सब अच्छे हैं और बिल्कुल ठीक हैं। तो ये सब काम आज मैंने किया और सुबह की साफ़ सफाई भी अब हो गई है, और साफ़ होने के बाद बालकनी बिल्कुल साफ़ सुथरी एकदम चमक गई है। तो काफ़ी काम हो जाता है बालकनी में जब हम गार्डनिंग करते हैं, और कम जगह में तो और भी ज़्यादा, बिल्कुल छोटी सी तो रहती है बालकनी, उसमें इतना सब कुछ करना। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आपको ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम, हैप्पी गार्डनिंग।